हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ वैस मॉल। मैंने एक वैस मॉल के ऊपर रिव्यू वीडियो बनाया था और उसमें इतने सारे कमेंट्स आए इसको लेकर कि इसको कैसे यूज़ करना है, कब कब यूज़ करना है, क्या ये ऑयल है, क्या ये हेयर कलर है, इसको ऑयल के साथ लगाना चाहिए या फिर कैसे लगाना चाहिए, रात को ओवरनाइट लगा के रखना चाहिए या फिर कैसे रखना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मैंने उनको आंसर भी दिया और आज मैं वीडियो भी बना रही हूँ इसके ऊपर। इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अभी तक मेरा वैस मॉल का रिव्यू वीडियो नहीं देखा तो अभी जाके देख लो, फिर कोई क्वेश्चन आए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछना, और नहीं तो इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि वैस मॉल ये ऑयल है या फिर हेयर कलर है या फिर क्या चीज़ है। दिस इज़ अ हेयर कलर, जैसे कि गार्नियर का, गोदरेज का हेयर कलर आता है, वैसा ही ये हेयर कलर है। इसमें नो एमोनिया, नो पैराबेन, कुछ भी नहीं है, हर्बल भी नहीं कह सकते, क्योंकि हेयर कलर मतलब केमिकल्स तो होंगे, और इसमें ऑयल बेस्ड हेयर कलर है। मतलब ये नहीं कि ये ऑयल के साथ लगाना चाहिए या फिर ये ऑयल है, ये एक नॉर्मल हेयर कलर है जिसमें आमंड्स, ऑलिव्स और वॉलनट जैसे ऑयल्स डाले गए हैं ताकि हमारे हेयर को नरिशमेंट मिले। हमको पता है कि हेयर कलर करने के बाद हमारे हेयर जो है डैमेज होने लग जाते हैं, तो उसके लिए हमको प्रॉपर नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऑयल बेस्ड हेयर कलर इसलिए है ताकि हेयर कलर के बाद हमारे हेयर सिल्की स्मूद रहे। तो दिस इज़ नॉट अ ऑयल, इट इज़ ओनली अ हेयर कलर लाइक अदर ब्रांड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इसे कब कब लगाना होगा। क्या इसे हफ्ते में दो बार लगाना है, क्या इसे मंथ में एक बार लगाना है, या फिर कब लगाना है। तो इसका आंसर ये है गाइस कि आपको मंथ में सिर्फ दो बार ही इसको अप्लाई करना है, मंथ के दो बार यानी कि 15 डेज में एक बार। सो अभी मैं इसका प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे इसको अप्लाई करना है अपने हेयर पे। तो फर्स्टली क्या करेंगे हम, पहले दिन हम हमारे हेयर को शैम्पू कर लेंगे ठीक से, ताकि हमारे हेयर जो है क्लीन रहे। आपको हेयर में कोई भी ऑयल या फिर कुछ सीरम वगैरह कुछ नहीं रहना चाहिए, आप शैम्पू करके रख दीजिए। दूसरे दिन नहाने से 3 से 4 घंटे पहले आपको क्या करना है, इस वैस मॉल को आपको हेयर कलर की तरह इसको अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करना है कि ग्लव्स पहले पहनना है, जैसे कि हेयर कलर लगाने से पहले पहनना होता है, फिर अपने हाथों में लेकर, ग्लव्स पहने हुए हाथों में लेकर इसको हेयर के स्कैल्प से लेकर हेयर लेंथ तक हमको पूरा लगाना है, जैसे कि नॉर्मल हेयर कलर हम करते हैं। ओके, नाउ यू कैन यूज़ अ ब्रश और यू कैन यूज़ योर फिंगर्स, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। लगा के इसको 3 से 4 घंटे रखना ही होगा, फिर इसको शैम्पू से वॉश कर लेना होगा। दिस इज़ अ सिंपल मेथड बाकी हेयर कलर्स की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये था, क्या ये हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, क्या ये हेयर फॉल में हेल्प करता है, क्या ये डैंड्रफ में हेल्प करता है, क्या हमारे हेयर प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। जी बिल्कुल नहीं, ये हेयर कलर है। हेयर कलर कभी आपके हेयर फॉल को, डैंड्रफ को या फिर हेयर ग्रेइंग को भी बोल सके तो वो उसको ठीक नहीं कर सकता। हेयर कलर इज़ जस्ट टू कवर योर हेयर विथ कलर। जो आपको ब्लैक कलर चाहिए तो ये ब्लैक कलर आपका हेयर कलर कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर है या फिर आपके बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो उनको जड़ से ठीक करेगा और ताकि आपके हेयर जो है ब्लैक ग्रो करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना ही ये हेयर फॉल या फिर कुछ भी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, ये जस्ट अ हेयर कलर है जो आपके हेयर को बस करता है, और वो भी ब्लैक कलर। इसका कोई अलग हेयर कलर का रेंजेस नहीं है, बस ब्लैक ही इसका रेंज है। और तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन भी आपका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि पैक में सारे ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कब कब इस्तेमाल करना है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा फिर ही इसको इस्तेमाल कीजिएगा। आई नो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते हैं या फिर प्रोडक्ट्स को लेके होते हैं, और इसको लेके तो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस बहुत लोगों को हुए हैं। कमेंट सेक्शन से ही पता चलेगा आपको। एक बार आप जाके मेरे उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन हैं और कितने सारे मैंने आंसर्स दिए थे। तो अभी उसी की वजह से मुझे ये वीडियो मैं बना रही हूँ, आपके लिए बना रही हूँ फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या ये परमानेंट है, लाइक अगर हम इससे हेयर कलर करेंगे क्या हमारे हेयर ब्लैक हो जाएंगे, कभी वाइट नहीं आएंगे, या फिर क्या होगा हमारे हेयर को, क्या ये परमानेंटली हमारे हेयर को काला कर देगा। जी बिल्कुल नहीं, ये नॉर्मल हेयर कलर की
तरह ही है, मैं फिर से बोल रही हूँ। तो जैसे हम हेयर कलर को यूज़ करते हैं बालों को कलर करने के लिए, और वो हम फिर से हम जब वॉश करने लग जाते हैं, शैम्पू करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो उससे हेयर कलर हमारा धो जाता है। तो उसकी वजह से हमको ये मिनिमम मंथली 2 times तो यूज़ करना ही होगा ताकि हमारे हेयर में वो कलर रहे। तो बेसिकली मैं हेयर को बहुत ज़्यादा वॉश करती हूँ, तो उसके हिसाब से ये कलर बहुत देर तक चलता है, आई कैन से, एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल प्लस काफ़ी अच्छा भी है। तो रेगुलर हेयर कलर से आई प्रेफर दिस कलर टू मेक माई हेयर ब्लैक। सो नॉट ओनली आई, माई मदर एंड अदर पीपल ऑल्सो यूज़ दिस हेयर कलर टू यूज़। तो ये लिक्विड फॉर्म में आता है, कोई भी मिक्स की झंझट नहीं होती, जैसे कि बाकी हेयर कलर्स में क्रीम एंड डेवलपर बहुत ज़्यादा चीज़ें आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है, आपको बस हाथों में डालना है, अपने स्कैल्प पे लगा लेना है, बस उसको 3 घंटे रखना है, फिर वॉश कर लेना है विथ अ शैम्पू, एनी शैम्पू विच यू यूज़ रेगुलरली। तो ये था आज का वीडियो गाइज। तो अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गई हो तो प्लीज़ मैंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर यू as fast as possible. So thank you so much guys, and thank you so much guys for liking my videos. आप उसी की तरह इस वीडियो को भी लाइक करें, एंड आई होप कि आपकी प्रॉब्लम्स या फिर आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो गई होगी। तो इसको बेफिक्र यूज़ कीजिए, एंड ऑल्सो शेयर द रिव्यू ऑफ योर्स ऑफ वेस्टमॉल। थैंक यू सो मच गाइज़।